बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा, आप देख रहे हैं किचन विद उज़्मा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग मसूर की दाल, आलू की कतलियाँ, चावल, रोटी, ये सब बनाऊंगी। ये देखिए, ये मूंग मसूर की दाल एक पाव के करीब मैंने ली है, मिक्स है मूंग मसूर की दाल। ये एक पाव मूंग मसूर की दाल है, तो चलिए शिफ्ट करते हैं। ये देखिए, ये है प्याज, ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, ये इसमें डाल देंगे। एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर, ये इसमें डाल देंगे। तीन हरी मिर्चें हैं, ये इसमें डालेंगे। ये लहसुन पेस्ट है, थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डालेंगे। ये अदरक पेस्ट है, थोड़ा सा अदरक पेस्ट डालेंगे। एक टीस्पून दोनों मैंने डाल दिए। किसी भी मिर्चें हैं, एक दो। हल्दी एक चमची, नमक हसबे जायका। ये सब चीज़ें डाल के हम इसको उबल को बंद करेंगे। ये थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे, ये ऑयल है, ये देखिए थोड़ा सा ही हमने ऑयल डाल दिया। ये देखिए थोड़ी देर में ये दाल गलती है, हम तड़के का सामान तैयार कर लेते हैं क्योंकि कुकर में ये मिनटों में पक जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, विजिट करें मेरे चैनल का। चलें, जब ये गलती है तो फिर मैं तड़के का सामान लेके आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने हटा दी है, दाल जो है वो गल गई होगी। ये है तड़के का सामान, ये कड़ी पत्ता थोड़ा सा, ये ज़ीरा है आधा टेबल स्पून, ये चार पांच कलियाँ लहसुन की हैं जो मैंने बारीक बारीक कर रहा है, ये पांच साबुत लाल मिर्च है। ये चावल भीग के भिगो के रख दिए। बस ये हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने घी रख लिया, ये एक कम से कम एक चमचा होगा खाना बनाने का। ये मैं इसमें सब चीज़ें डाल दूँगी। ये सब तड़का होगा, जब तक तड़का हो रहा है इधर, ये देखिए ये दाल गल गई है, बिल्कुल गल गई है। ये हमें इस तरह की ही दाल चाहिए। एक आध चमचा मारेंगे तो ये दाल बिल्कुल, चलाएंगे इसमें तो ये दाल बिल्कुल खुल जाएगी ना। इसमें प्याज है ना, इसीलिए मैंने कुकर में रखी थी कि इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्चें सब जाती हैं। वैसे तो ये दाल पतीली में भी गल जाती है, आप चाहें तो पतीली में गलाएं। ये देखें, बहुत अच्छे से दाल बन गई है। अब मैं इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, मुझे इतनी थिक चाहिए दाल। आपको अगर पतली करनी है तो पानी डाल दीजिएगा, मुझे इतनी ही थिक चाहिए दाल ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मुझे बताया करें कि मेरी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, देखा करें आप लोग। आप लोग ताउन करेंगे तो मेरा चैनल आगे तक जाएगा, सिर्फ आपके ताउन की ज़रूरत है। ये बहुत आसानी से बन जाती है, बस ये होता है कि घर के खाने अगर कोई पका रहे तो चले आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। बच्चियां हैं जिनको आता नहीं है, सीख लेती हैं, वो आसानी हो जाती है उनको। उधर देखें, वो तड़का अच्छे से तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये तैयार हो गया, मैं इसको इसमें डालूँ। ये थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इतना गरम मसाला, इतने, ये देखिए बस ये दाल हमारी तैयार है। अब मैं आपको चावल बना लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
चलिए अब मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। ये देखिए आलू की भुजिया कह रहे हैं, कतलियाँ कह रहे हैं। ये दो चमचे मैंने ऑयल के डाले, सालन के दो चमचे, थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें ये देखिए ज़ीरा डालूँगी एक स्पून के बराबर, थोड़ा सा ज़ीरा हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा ज़ीरा, तेल गरम है, ज़ीरा हो जाएगा। तो ये मैंने एक प्याज ली है, बड़ी प्याज है, दरमियाने साइज़ की नहीं है, बड़ी प्याज है, मैंने एक प्याज ली है। ये इस तरह की प्याज है, ये बड़ी, ये एक मैंने काट के रख ली थी। ये ज़ीरे से देखे धुआं निकल रहा है, अच्छे से हो गया। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे डाल सकते हैं, मैंने इसी तरीके से डाल दी। ये दो बड़े टमाटर हैं, ये काट रही हूँ मैं। ये देखिए ये टमाटर मैं जिस तरह मर्जी शेप में काट लें आप, बारीक बारीक। थोड़ी सी ये प्याज लाल हो जाए, मसालेदार मज़ेदार किस्म के आलू बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। ये तो अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, एक टेबल स्पून ये अदरक लहसुन डाल दिए। थोड़ा सा अदरक लहसुन का रंग चेंज होगा, ये देखिए अदरक लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ये देखिए ये अदरक लहसुन का भी कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, और प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम ये चार मैंने हरी मिर्चें ली हैं और दो टमाटर लिए, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया। ये अगर आपको दही ऐड करना है तो दही डाल दीजिएगा, मेरे पास अभी दही है नहीं, तो दही भी मसालों के साथ ही जाएगा, यानी कि जब आप इसमें स्पाइसेस डालेंगे तो दही साथ जाएगा। अगर आप आलू के साथ दही डालेंगे तो आलू ऐड जाएंगे। ये देखिए नमक, हसबे जायका, हल्दी, ये मेरे पास चमचा है, किसी भी मिर्च एक चम्मच, और ये कुटी हुई मिर्च एक चम्मच, ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे, थोड़ा सा मसाला बनेगा इसका। चलिए जब तक ये टमाटर और प्याज ये सब चीज़ें गलती हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये टमाटर प्याज ये सब लाइट लाइट से मैश हो चुके हैं। अच्छा अगर आप चाहें तो टमाटर पेस्ट बना के भी आप डाल सकती हैं, ठीक है, प्याज का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं लहसुन अदरक पेस्ट के साथ, ये आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी प्याज डालना चाहें, लेकिन प्याज को फ्राई करके डालें उसका टेस्ट और होता है, लेकिन टमाटो पेस्ट आप डाल सकते हैं। अब इस पॉइंट पर आके हम ये आलू डालेंगे, ये हमने आलू डाल दिए, हम आलूओं को थोड़ा सा भुनेंगे, भुनने के बाद हम इनको गलने रखेंगे। इस पॉइंट पे ना तो दही डालेगा ना कुछ, अगर आपने दही डालना है तो मसालों के साथ ही दही डालिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और टमाटर पेस्ट बना के डालना चाहें तो पेस्ट बना के डाल दीजिएगा, बहुत मज़ेदार से ये आलू बनते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब ये जब आलू गलते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए मैं ये आलू अभी से अभी तक भून रही हूँ, भूनते में आलू कुछ आलू गल गए कुछ आलू नहीं गले, तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसको भूनना इसलिए ज़रूरी है आलू की भुजिया में क्योंकि इसमें लहसुन अदरक डला हुआ है, तो जब तक भूनेंगे नहीं तो जब तक इसका टेस्ट नहीं बनेगा और लहसुन अदरक की स्मेल नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाला है, ये मसालेदार चटखारेदार बनते हैं ये। अभी मैंने इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली है। हाँ, ये अचार, मेरे पास दही अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं अचार का मसाला है ये मैं डालूँगी इसमें, पर अभी नहीं जब आलू गल जाएंगे, क्योंकि खट्टास से आलू गलते नहीं हैं। ये अच्छे तरीके से भुन गया है, ये देख रहे हैं आप पतीली की अलग अच्छे तरीके से भुना है, ये देखें आप बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भुना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए अब इसमें इसी पानी में ये आलू गल जाएंगे। ये गिलास मैंने एक गिलास के पानी ऐड किया है, ये देखिए ये आलू अब गल चुके हैं अच्छे तरीके से, ये आलू गल गए। अगर ज़्यादा इसमें मैंने चमचा चलाया तो आलू टूटने लगेंगे। ज़ीरा पाउडर डालूंगी इसमें मैं, ये हरा धनिया, थोड़ा सा मिक्स करूंगी। बिल्कुल ये आलू रेडी हैं, बिल्कुल रसमिसे से रखने हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भुन जाएंगे तो सिर्फ आलू के कतले ही नज़र आएंगी, थोड़ा सा ये मसाला भी होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का मसाला ग्रेवी हल्की हल्की सी ये गाढ़ा गाढ़ा मसाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको निकालती, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अब मैं चावल और दाल निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं चावल निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं दाल चावल। अच्छा, मैं आलुओं में मैंने अचार इसलिए नहीं डाला, मैंने आपको बोला था कि मैं अचार का मसाला डालूंगी, ये रखा हुआ है अचार का मसाला, तो वो मेरे बच्चों ने मना कर दिया था कि खट्टास की वजह से उनको इतनी पसंद नहीं है, अगर आप लोग डालेंगे तो बहुत यम्मी लगेंगे, तो हम लोग अलग-अलग अचार रखेंगे। वैसे अलग-अलग हम लोग रखते हैं दाल चावल के साथ अचार। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत यमी बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं ये दाल चावल अचार। आलू की सब्ज़ी बनाएं या कोई सी भी सब्ज़ी बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है। चलें, अब मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, मुझे बताएं मेरी रेसिपीज़ कैसी होती हैं। चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।